ठीक है, नेक्स्ट। गुड, हनु पकड़ो। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ठीक हो गया, गुड हो गया। वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम आमिर है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब पर और फेसबुक पर दानिश पेट्स चैनल। और फ्रेंड्स, मेरे साथ मेरे भाई मून और मेरी इससे पहले जो वीडियो थी गोल्डन रिट्रीवर की थी, मैं मून भाई के सेटअप पर आया हुआ हूँ। मून भाई के पास इस टाइम गोल्डन रिट्रीवर के पप्स और अब जो आप देख रहे हैं लॉन्ग कॉर्ड जर्मन शेपर्ड। तो फ्रेंड्स, ये प्योर लॉन्ग कॉर्ड जर्मन शेपर्ड की वीडियोज आप देख रहे हैं जिनके पेरेंट्स भी लॉन्ग कॉर्ड है और पेडिग्री है। और ये पप्पीज आपके सामने है, हेल्दी हैवी बोन है और बहुत प्यार और लाड़ के साथ इन्हें रखा गया है। और मून भाई से बात करते हैं। अच्छा, मून भाई से बात करने से पहले आप लोगों के लिए बहुत से बेनिफिट्स होंगी भी इस वीडियो में। आप जानेंगे एक अच्छी डाइट और जर्मन शेपर्ड की जो ब्रीड होती है वो कहाँ से और कैसे, जिसमें आप फर्क जानेंगे लॉन्ग कॉर्ड में और मीडियम कोड में और स्टैंडर्ड कोड में, इन सब का फर्क जानेंगे। आप किधर जा रहे हो, आप किधर जा रहे हो, इधर आ जाओ भाई। अच्छा, जिसमें आप जानेंगे कि एक जो जर्मन शेपर्ड के लवर्स हैं वो अक्सर उनका ये होता है कि जी वो मदर जो थी सर, वो कहते हैं कि मदर मीडियम कोड थी और बाप लॉन्ग कोड था, तो ये भी लॉन्ग कोड है। आज हम इसका फर्क भी जानेंगे कि इसका फर्क क्या होता है। और इससे पहले कि हम अपना वीडियो शुरू करते हैं, तो फ्रेंड्स जो आप देख रहे हैं ये प्रॉपर लॉन्ग कोड पेडिग्री के साथ है और अवेलेबल है। और मेरे बहुत से सब्सक्राइबर्स हैं जिनका ये कहना है कि जी हमें लॉन्ग कोड चाहिए, पेडिग्री के साथ चाहिए, माइक्रोचिप के साथ चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप दानिश पेट्स के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपना शौक पूरा कर सकते हैं। लॉन्ग कोटेड और आपके सामने है, हेल्दी पपीज हैं और जिसमें मेल भी अवेलेबल है और फीमेल भी अवेलेबल है, पेडिग्री के साथ है, माइक्रोचिप के साथ आपको मिलेगा और बहुत बहुत अच्छी प्राइस है। और जहां आपने डील करना है, डील करने के लिए आप मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे 03249406277। तो अब हम बात करेंगे मून भाई से के जो जिनकी ये ब्रीड है, तो कुछ काम की बातें होंगी। जी मून भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं भाई? जी बिल्कुल ठीक। अच्छा मून भाई, आप मुझे सबसे पहले ये बताएं, ये प्रॉपर इसके जो पेरेंट्स हैं वो लॉन्ग कोड है, मैंने खुद अभी देखा है। ऐसे ही है भाई। तो सर फर्क क्या होता है जब आजकल कुछ ब्रीडर्स हैं, कुछ लोगों की मजबूरी बन जाती है कि उनके पास मीडियम कोड फीमेल है और वो क्रॉस करवा देते हैं लॉन्ग कोड के साथ, ऐसे और जो पपीज होते हैं उनमें से कुछ कहते हैं जी कि ये लॉन्ग कोड है और कुछ माँ पे चले गए मीडियम कोड है। तो क्या जो मेरा एक अपना एक्सपीरियंस है कि जब तक मदर और फादर प्रॉपर लॉन्ग कोड की ब्लड लाइन में चलती है तो वही उसी को हम लॉन्ग कोड बोलेंगे। बिल्कुल, क्या मैं सही सोचता हूँ या आप इसके बारे में कुछ मुझे बताएंगे कि फर्क क्या होता है? आप दानिश भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, देखें जब तक मदर और फादर प्रॉपर लॉन्ग कोट नहीं होंगे तब तक पप्स जो हैं वो प्रॉपर लॉन्ग कोट नहीं आएंगे। जी जी, ठीक है। अगर आप गफ कोट फीमेल ले लेते हैं, लॉन्ग कोट मेल लगा लेते हैं, ठीक है, तो वो बच्चे हरगिज़ प्रॉपर लॉन्ग कोट नहीं आएंगे। ठीक हो गया। ठीक है, उनमें से बहुत भी है, एक दो पप्स आएंगे लॉन्ग कोट मगर ज्यादा लॉन्ग कोड नहीं होगा और उसकी भी गारंटी नहीं है कि वो प्रॉपर लॉन्ग कोड हो या ना हो, इसी तरह ही है। राइट। और क्योंकि हमारे लोगों को होता है कि जी हम लोग फीमेल, चाहे हमारी हल्की भी है, हम मेल अच्छा लगा लेंगे तो जी बच्चे अच्छे आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। फीमेल का भी जो है कि लॉन्ग कोड होना या खूबसूरत होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर फीमेल अच्छी होगी तो जहरी बात है डेफिनेटली आपने मेल तो अच्छा लगाना ही है। जी बिल्कुल। ठीक है, मेल आपका अच्छा होगा, फीमेल प्यारी होगी तो आपके पास बहुत अच्छी ब्रीडिंग होगी। आप टेक केयर अच्छी करेंगे तो वो आपको मजा आ जाएगा, आपकी ब्रीडिंग का, बच्चों की प्रोजनी का मजा आ जाएगा। आप कहेंगे कि यार वाकई यार मेरी फीमेल की और जो मैंने मेल सेलेक्ट किया उनकी बहुत अच्छी प्रोजनी है। ठीक है, और इस तरह आप अच्छे ब्रीडर शो होंगे। अगर आप गफ कोड फीमेल के साथ लॉन्ग कोड मेल लगाएंगे ना तो वो आपकी ब्रीडिंग का मज़ा नहीं आएगा। मज़ा तो ये है कि यार लोग आपकी ब्रीडिंग देखें,
तो उनको मजा आए कि यार वाह मजा आ गया। जी मुन भाई, तो अभी मुझे आपसे ये पूछना था अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, और जो लोग चैनल पर नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मेरी हर वीडियो में कुछ फ़ायदे की ही बात होती है। तो जो बात अभी बात हो रही थी कि एक मीडियम यानी कि कोड या फिर आप स्टॉक कोड भी मेल के साथ आप एक लॉन्ग कोड को मेल कर देते हैं, यहाँ पर बात आ जाती है ब्रीडर्स की, प्योर बिजनेस की बात आ जाती है। आप जो लोग जिन लोगों ने पैसे खर्चने हैं, जिन लोगों ने पैसे खर्च के चीज लेनी है, ऐसे ही जिन लोगों ने शौक पूरा करना है, जो मोस्टली लोग कहते हैं यार मुझे मीडियम कोड ही लेना है, तो मेरे ख्याल से एक अच्छे ब्रीडर को उसे मीडियम कोड ही देनी चाहिए, और मीडियम कोड की जो प्राइस है उसके मुताबिक वो चीज उसको दे देता है। जहां बात आती है लॉन्ग कोड की, तो वहां पे जितने भी ब्रीडर्स हैं, और ये एक मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ से बात कर रहा हूँ, क्योंकि लॉन्ग कोड की प्राइस में और उसकी प्राइस में फर्क आ जाता है। तो मैं अपने फ्रेंड्स से भी ये बात करूंगा, अगर आप लोग लॉन्ग कोड लेना चाहते हैं तो लॉन्ग कोड ही लें, उसके पेरेंट्स देखें, क्योंकि मोस्टली ये बात इसलिए यहाँ पर इस पैनल पर की जा रही है, इस वीडियो में इसलिए की जा रही है क्योंकि मेरे बहुत से फ्रेंड्स बहुत से सब्सक्राइबर्स जो मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरी फैमिली है, उनका सर ये कहना होता है कि हमने एक ब्रीडर से बच्चा लिया और उसने हमें इस बात का वादा किया था कि जी ये जो पपी है ये लॉन्ग कोड है, तो सर देखें अब ये बड़ा हो गया है, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं कुछ वीडियोस आपके साथ इंट्रोड्यूस वीडियो भी साथ इस वीडियो में ऐड करूं, जिन लोगों के साथ धोखा हुआ है, धोखा ही बोलेंगे कि भी ये लॉन्ग कोड है, इसका फादर ये पपी भी लॉन्ग कोड है। तो वो ऐसा हुआ मुन भाई, जैसे ही वो बच्चा 4 मंथ और 3 मंथ में, आपको पता है कि बच्चे की लुक सामने आ जाती है, ऐसे तो वो बेबी कोड उतरता है ना जी, तो वो बाद में सर वो कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ कि लॉन्ग कोड कह के आगे से निकला स्टॉक कोड। तो अब इसमें कसूर ब्रीडर का ही है, ब्रीडर है कसूर का? जी बिल्कुल, तो उसमें तो बायर का तो कोई कसूर नहीं है, बिल्कुल ब्रीडर ने झूठ बोला है भाई। जी जी, तो इसलिए यहाँ पे कुछ मेरे जो फ्रेंड्स थे, आज उनका ये कहना और इनके जो ये बात थी, आज उनको उन्हें ये इस वीडियो के थ्रू जवाब मिल चुका हुआ है कि अगर आप लोग लॉन्ग कोड देखें, जो पपीज हैं वो लॉन्ग कोड भी जर्मन शेपर्ड ही है, जो मीडियम कोड है वो भी जर्मन शेपर्ड है, जो स्टॉक कोड है वो भी जर्मन शेपर्ड है, लेकिन फर्क आ जाता है आपके शौक का, आपकी लगन का, आपकी चाहत का। जिन्हें लॉन्ग कोड पसंद है उन्हें लॉन्ग कोड ही मिलना चाहिए। तो फ्रेंड्स व्यूवर्स, जो लोग पेट्स खरीदते हैं तो वो जब ब्रीडर्स के पास जाते हैं तो इन चीज़ों का ख्याल रखा करें, क्योंकि जो लॉन्ग कोड है वो आपको नज़र आएगा कि ये लॉन्ग कोड है, फिर सारे बच्चे इक्वली नज़र आएंगे। आप वीडियो को एंड तक देखें, एंड पे ये पपीज की साइनमेटिक वीडियोज है, क्लोजअप है, आप उनको अच्छे से देख सकते हैं, हर बच्चा आपको एक सा ही दिखेगा, ठीक है, क्यों कि इसके पेरेंट्स एक से हैं, राइट। तो सर ये अब बात करते हैं हम इस पप्स के हवाले से, इसके साथ सर हमें क्या माइक्रोचिप और ये चीज़ें वगैरह डॉक्यूमेंट्स और कौन सी कैटेगरी है? सर ये आपको माइक्रोचिप के साथ मिलेंगे, ठीक है, पाकिस्तान कैनल क्लब का, ठीक है, जर्मन शेफर्ड डॉग क्लब जो है PGSB, ठीक है, उसकी ये पिंक डिग्री के साथ आपके पास अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है, और ये है कि माइक्रोचिप के साथ होगा, और इसके जो पिंक पेडिग्री 4th generation डाटा, राइट, ठीक हो गया, अच्छा ओके हो गया। अच्छा दूसरा भाई, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनका यही होता है कि भी हमारे लिए कोई डिस्काउंट होना चाहिए, प्राइस हम लोग वीडियो में नहीं करते हैं, तो बाकी जो मुझे भाई ने प्राइस बताई है तो भाई उसमें कोई थोड़ी बहुत कमी पेशी डील पे आप करेंगे जो मेरे थ्रू और मेरे दानिश पेट्स चैनल के थ्रू आएंगे? दानिश भाई आपके जो भी यानी के चाहने वाले हैं, जो सब्सक्राइबर हैं, राइट सर, ठीक है, उनको फेवर मिलेगी सर, स्पेशल फेवर मिलेगी, ले सब्सक्राइब ले मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए डॉग ऑनर्स से मैंने खुद, उन्होंने अपने आपके सामने इस वीडियो में बोला है कि दानिश पेट्स चैनल के सब्सक्राइबर्स के लिए कुछ ना कुछ डिस्काउंट होगा। तो बात डिस्काउंट की एक अलग चीज है, लेकिन आपसे मैं एक बात, जो शौक रखने वाले लोग हैं उन्हें सिर्फ इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि दानिश पेट्स उनके लिए जो लेकर आ रहा है वो प्योर 100% प्योर जर्मन शेपर्ड लॉन्ग कोड पेडिग्री के साथ और माइक्रोचिप के साथ। फ्रेंड्स, और आप लोग जब इस चीज को यानी कि जब अपने पेट्स को, अपने डॉग को अपने साथ लेकर चलेंगे तो लोग भी देखेंगे और आपका शौक भी पूरा होगा। तो भाई लास्ट में मैं कुछ आपसे ये पूछना चाहता हूँ
कि अभी जो इनकी एज है उसके बारे में बता दें, और दूसरा आप ये बता दें कि इनके लिए डाइट कौन सी होनी चाहिए डॉग फूड के हवाले से, और प्लस आप ये बताएं कि ये जो थोड़ा सा एंड में आपने ये ज़रूर बताना है कि ये गार्ड और फैमिली डॉग इसके हवाले से ठीक हो गया। एज से स्टार्ट कर रहे हैं आप दानिश भाई, इन पप्पीज़ की जो एज है आज ये पप्पीज़ हो गए हैं 50 डेज की, राइट, ठीक है। और जो इनकी डाइट चल रही है वो डाइट इनकी चल रही है मैक्सी पप्पी, ठीक है सर, रॉयल कैनिन की, ठीक है, क्योंकि मार्केट में और भी बहुत फूड है जी, ठीक है। लेकिन आप जो मेरे सब्सक्राइबर्स को रिकमेंड करेंगे वो है रॉयल कैनिन, रॉयल कैनिन का मैक्सी पप्पी ये खा रहे हैं, राइट सर, ठीक हो गया सर, बहुत अच्छा फूड है, ठीक है। उस फूड की वजह से आप इनकी हेल्थ देख जी, 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 कैसी जी, अच्छी हेल्थ है। एक तो इनके फादर और मदर दोनों की प्रॉपर लॉन्ग कोट है, ये नहीं किया गया कि जी मदरों की गफ कोट है या स्टॉक कोट है, ठीक है, तो लिया जाए इस तरह या इनके ब्रीडिंग की जाए, इनकी ब्रीडिंग प्रॉपर लॉन्ग कोट हुई है मदर की भी फादर की भी, right। और क्योंकि हमारे लोग बहुत गलत कर जाते हैं जी, जी, वो बेसिकली क्लाइंट के साथ आके इशू बन जाता है, वो बेचारा लेके तो लॉन्ग कोट जाता है, जब बेबी कोट उतरता है जी जी सर तो वो लॉन्ग कोट होता नहीं है दानिश भाई, वो स्टॉक कोट निकल आता है, वो स्टॉक कोट या गफ कोट में आ जाता है जी। तो मेरी तो अपने ब्रीडर भाइयों से यही गुजारिश है कि भाई अगर आप लोग चाह रहे हो लॉन्ग कोट का शौक करना, लॉन्ग कोट की ब्रीडिंग करना चाह रहे हो, तो भाई प्लीज यार फीमेल भी लॉन्ग कोट यूज करो और मेल भी लॉन्ग कोट, ताकि एक लॉन्ग कोट का प्रॉपर स्टैंडर्ड रहे, क्योंकि हम लोगों ने लॉन्ग कोट और गफ कोट को मिक्स करके ना दानिश भाई हो रही है और दूसरा बहुत गलत कर रहे हैं, वो खुश नहीं होता, हमने लॉन्ग कोट्स की इतनी को ज्यादा क्वालिटीज बना दी है कि समझ से बाहर हो गया जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा फ्रेंड्स, इनका जितने भी पॉपीज हैं इनका स्टॉक बहुत प्यारा है और हेयर बहुत अच्छा है, क्योंकि एक्चुअली मैंने गोद में अभी इसको उठाया हुआ है और यकीन माने कि बहुत बहुत लविंग इसका जो कोड है, बहुत प्यारा है, सॉफ्ट है, और ये सारा क्रेडिट्स मून भाई को जाता है कि मून भाई इनकी केयर बहुत करते हैं अपने पेट्स की, और आप लोग भी अपने पेट्स की केयर किया करें और हर तरह से ख्याल रखा करें, क्योंकि ये बेजुबान है और ये इंसानों से भी ज़्यादा वफादार है। तो फ्रेंड्स, मैं अभी इस वीडियो में रिक्वेस्ट करूँगा मून भाई से कि नेक्स्ट कोई वीडियो मेडिकल के पॉइंट ऑफ से, ब्रीडिंग के हवाले से, तो आप मुझे ज़रूर टाइम दें और कोई हम एक वीडियो बनाएं, जो न्यू ब्रीडर्स हैं वो ब्रीडर्स ये ना सोचें कि हमने एक बात की है कि एक प्रॉपर तरीके से ब्रीड को आगे लेकर जाए, और ब्रीडर्स को हमारे से बेनिफिट्स भी हो कि हम